वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो कैसे हो दोस्तों, आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों हम आज एक ऐसी गाड़ी के बारे में बात करेंगे जो अभी तक भारत में लॉन्च नहीं हुई है, लगभग इसकी लॉन्चिंग जनवरी 2023 के अंदर हो। तो दोस्तों मैं आज इस गाड़ी के बारे में इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यह गाड़ी महिंद्रा लॉन्च करने वाली है, साथ ही इसे महिंद्रा पहली बार कोई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने वाली है जिसका नाम रखेगी महिंद्रा XUV400। तो दोस्तों आप जैसे कि जानते ही हो, भारत में इलेक्ट्रिक वाहन सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है जो कि टाटा नेक्सोन और टियागो। तो दोस्तों हम आज जिस गाड़ी के बारे में बात करेंगे उसे महिंद्रा मैन्युफैक्चर करेगा, उसका नाम है XUV400। फुल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी रहेगी और ये साथ ही बैटरी से चलेगी। तो दोस्तों इस गाड़ी के बारे में कुछ जानकारी मिली हमें जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारी नेट के द्वारा निकाली गई है गूगल से, और इसके अलावा कुछ जो भी इसमें चेंज रहेगा वो लॉन्चिंग के दौरान पता चलेगा। तो हम आज जितनी भी जानकारी बताएंगे सारी एक्सेप्टेड हैं। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों महिंद्रा बहुत ही जल्द जनवरी 2023 में महिंद्रा XUV400 EV लॉन्च करने वाली है, जिसकी एक शोरूम प्राइस लगभग 17 लाख रुपये रखी जाएगी। यह एक एक्सेप्टेड प्राइस है। यह गाड़ी बेहतरीन फीचर्स के साथ कंपनी के द्वारा दी जाएगी। तो दोस्तों महिंद्रा XUV400 EV के अंदर 39.4 किलोवाट आवर की बैटरी दी जाएगी, साथ ही कंपनी इस गाड़ी की रेंज लगभग 456 किलोमीटर क्लेम कर रही है। अगर गाड़ी को 50 वाट के DC फास्ट चार्जर से चार्ज किया जाए तो गाड़ी लगभग 0 से 80% 50 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी। अगर साथ ही वह नॉर्मल चार्जिंग से चार्ज किया जाए तो गाड़ी 6.5 घंटे में पूरी चार्ज हो जाएगी। अगर XUV400 की मोटर की बात की जाए तो गाड़ी की मोटर की पावर 150 PS साथ ही 310 Nm प्रोड्यूस करती है। अगर गाड़ी की 0 से 100 की स्पीड देखी जाए तो यह गाड़ी 8.3 सेकंड के अंदर 0 से 100 की स्पीड अचीव कर लेगी। अगर गाड़ी के डायमेंशन सिस्टम की बात की जाए तो गाड़ी की लेंथ लगभग 4200 mm, हाइट लगभग 1634 mm, विड्थ लगभग 1821 mm, और अगर वहीं व्हील बेस की बात की जाए तो गाड़ी के अंदर 2600 mm का व्हील बेस दिया गया है। अगर गाड़ी के सेफ्टी सिस्टम की बात की जाए तो गाड़ी के अंदर टोटल 6 एयरबैग दे रखे हैं, साथ ही यह गाड़ी हो सकता है कि NCAP से 5-स्टार रेटेड कार आ सकती है मार्केट में, क्योंकि 6 एयरबैग इस गाड़ी के अंदर दे रखे हैं। साथ ही यह 80 की स्पीड पर एक बार बीप करेगी और 120 की स्पीड पर कंटिन्यूस बीप करेगी। तो सेफ्टी सिस्टम के हिसाब से इस गाड़ी को बहुत ही मजबूत बनाया गया है। अगर गाड़ी के ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो गाड़ी के अंदर ABS, CVT साथ ही ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। अगर गाड़ी के बूट स्पेस की बात की जाए तो गाड़ी के अंदर 378 से लेकर 418 लीटर तक का बूट स्पेस दिया जा सकता है। तो दोस्तों गाड़ी के अंदर चारों पावर विंडो दी जाएगी, साथ ही ड्राइवर साइड 1 टच डाउन 1 टच अप विंडो पावर विंडो दी जाएगी। अगर गाड़ी के और भी फीचर्स के बारे में बात की जाए तो यह गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ यह गाड़ी अवेलेबल रहेगी। साथ ही इस गाड़ी के अंदर जो भी ORM है वो सारे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दिए गए हैं। साथ ही इस गाड़ी के अंदर सनरूफ दी गई है, और भी इस गाड़ी के अंदर जो ग्लोव बॉक्स रहेगा वो कूल्ड ग्लोव बॉक्स दिया गया है। साथ ही अगर गाड़ी के AC वेंट की बात की जाए तो गाड़ी के अंदर फ्रंट एंड रियर AC वेंट दिए गए हैं। साथ ही अगर AC के बारे में बात की जाए तो यह ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC दिया गया है गाड़ी के अंदर। अगर गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात की जाए तो गाड़ी के अंदर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों प्रकार के स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दिए गए हैं। साथ ही अगर म्यूजिक सिस्टम की बात की जाए तो देखा जाए तो महिंद्रा वैसे भी म्यूजिक सिस्टम अच्छा खासा देता है। अगर इस गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम की बात की जाए तो इसके अंदर एक्सेप्टेड है कि अपन लोगों को एंड्रॉयड ऑटो कार प्ले भी मिल जाए, शायद टच स्क्रीन भी दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं इस गाड़ी के अंदर जो कंपनी इस गाड़ी को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म से लेके आ रही है, क्योंकि यह गाड़ी सीधा सीधा मार्केट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को चैलेंज करने वाला वाहन है। वैसे भी महिंद्रा बहुत अपनी गाड़ियों में बहुत सुधार कर रहा है, जैसे कि महिंद्रा ने भी स्कॉर्पियन उतारी है मार्केट में, साथ ही XUV700 ऐसी बहुत सी गाड़ियाँ दी है महिंद्रा ने जो दमदार परफॉर्मेंस के साथ आती है। तो दोस्तों यह गाड़ी भी एक दमदार परफॉर्मेंस के साथ आएगी, और यह इलेक्ट्रॉनिक वाहन होने के कारण बहुत ही ज़्यादा मार्केट में चली। अगर गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग कंट्रोल्स की बात की जाए तो स्टीयरिंग के अंदर स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल साथ ही क्रूज कंट्रोल दिया जाएगा। उस हिसाब से अगर गाड़ी को देखा जाए तो यह गाड़ी बहुत बेहतरीन फीचर्स के साथ उतारी जाएगी मार्केट में। तो दोस्तों कैसा लगा आज आप लोगों को हमारा व्लॉग, आई होप सभी लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहे अपने चैनल पर। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स।